गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम हमने किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टीन्यूअस. डिस्क्रीट में मैंने बताया था ये जो टर्म्स है वो इंटीजर्स होती है, वो भी पॉजिटिव 0, 1, 2, 3 नेगेटिव भी हो सकती है. बट कॉन्टीन्यूअस में कोई इंटरवल्स होते थे 0 to 10, 9 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो उनके लिए बात करता है. और ये पहले हो ही चुका है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करती है और टोटल प्रोबेबिलिटी इनका सम जो होगा वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा. तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ दे देंगे और कह देंगे कि इनमें से किसी एक P1 निकाल के दिखाओ. तो हम क्या करेंगे, इन सबका सम 1 के इक्वल होता है तो इन सबको उस साइड ले जाएंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आ जाएगी. जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी तुम खुद ट्राई कर लोगे. जैसे इसने क्या बोला, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मतलब तुम्हें प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स. तो ये जो एक्स है यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है, इन 3 tosses ऑफ द कॉइन. और 3 tosses करोगे कॉइन के तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी, तो एक्स के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं. नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है तो हम नंबर ऑफ हेड्स में ये बोलेंगे कि कितने हमारे एज पॉसिबल हैं. तो नंबर ऑफ हेड्स 3 tosses में क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 head आएगा, या 1 head आएगा, 2 head, या तीनों के 3 heads इकट्ठे आ जाएं. तो पहले हम ये बुलाएंगे कि चांसेस कितने बनेंगे. हेड 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 टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल. तुम ऐसे करोगे तो 8 chances मिल जाएंगे तुम्हें. ये तुमने पहले भी किया होगा. देखो तीन हो गए, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल. ठीक है, हेड टेल 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 हेड 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 टेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और रह गया चांस. होए कंप्लीट. तो तुम्हारे 8 chances आएंगे. अगर नहीं याद रहता तो इस वाले में सीधा तुम्हारा फॉर्मूला है 2, और जितने टाइम्स तुमने टॉस किया 3 करा तो 8 chances मिलेंगे. ठीक है, अब इसने क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं तो हम टेबल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. तो एक्स को हम बोलेंगे एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स और उनकी वो प्रोबेबिलिटी. अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो 0 head है या 2, 1, 2, 3 यही चीज पॉसिबिलिटी है तुम्हारे. यहाँ पे और लाइन ही बनेगी. तो 0 heads, एक भी हेड ना आए, तो ऐसे कितने चांसेस है आउट ऑफ में से 8 में से एक ही चांस है जिसमें एक भी हेड ना आए, बाकी सब में पॉसिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/8, एक चांस ऐसा है आउट ऑफ 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8. एक हेड आए, सिर्फ ओनली 1 head, तो इसमें 2 है, एक इसको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3 3 chances ऐसे जिसमें एक बार हेड आए, तो 3/8. ऐसे तुम्हें टेबल बनानी है. फिर 2 के लिए देखोगे 2 heads, 1, 2, 3 3 तुम्हारे ये मिल गए तुम्हें. और 3 तीनों के तीनों हेड आए, सिर्फ एक ही चांस है हेड 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 का फर्स्ट चांस, तो वो 1 हो गया, 1/8. तो तुम्हारा ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड. तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी मेरी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. जब तुम इन सबका सम करोगे 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8 इन सबका सम करोगे वो हमेशा 8/8 करके मतलब 1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तुम्हें इसने केसेस बना के थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा है. इसने पहले बताया तुम्हें, बल्कि अच्छे से समझा रखा है. तुम इसको देख लेना, केसेस बना दिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया अभी मैंने जैसे बनाया था. ठीक है, 0, 1, 2 कितने हेड पॉसिबल, इन टोटल इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा देखोगे 1 आएगी. और हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाया करती है, 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती. ऐसे ये क्वेश्चन है, ये तुम खुद ट्राई करोगे. एक क्वेश्चन और दे दिया, अ बैग कंटेन 3 white and 4 red balls, 3 balls आर ड्रोन 1/1. तो तुम्हें 3 balls निकालनी है. ठीक है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स. तो एक्स क्या मानेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स. 3 balls निकाल लिया तुमने तो क्या क्या चांसेस है, 0, 1, 2, 3. तो इसने एक्स की वैल्यूज लिख दी, 0, 1, 2, 3 ले सकते हो. उसके बाद वही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो क्या रहेगा, तुम्हारी टेबल बन जाएगी एक्स के लिए 0, 1, 2, 3. फिर हम क्या बनाएंगे उसकी टेबल में, पीएक्स. तो एक भी रेड बॉल ना है तो तुमने कितनी बॉल्स निकाली है, 3. तो 3 की 3 किस कितने में से, 4 red balls. एक भी रेड बॉल ना है, 0 क्या हमारा, एक भी रेड बॉल ना है, तो सारी की सारी बॉल्स कौन सी होगी, व्हाइट होंगी. लेकिन हमने तुमने निकाली कितनी है, 3 balls are drawn 1/1. तो टोटल बॉल्स कितनी है, 7, और उसमें से सारी की सारी व्हाइट है, तो 3/7 आ गई. कि 3 balls निकाली और एक भी रेड ना हो तो तीनों के तीनों व्हाइट है, आउट ऑफ 7, 3/7. 1 हमारी क्या मिल जाए, 1 red ball, बाकी 2 कौन सी होंगी, व्हाइट. तो 2 red balls होंगी, 2/7. एक बची है, देखो इस घर ध्यान रखना है तुम्हें, हमारे पास 3 white हैं और 4 red हैं. हमें बोला है 1 red ball, तो 1 red ball आउट ऑफ 4, तो 4 में से 1 ball आएगी और जो हमारी व्हाइट होगी वो क्या आएंगी, 3. ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे तीनों बॉल्स तुम्हारी क्या है,
वाइट है, तो इधर थ्री बॉल्स, 3x7, 3x7 एंड 3x7, क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना कर रखा हो विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, देन तुम लेके चलोगे विद रिप्लेसमेंट चल रहा है, नहीं तो वो मेंशन करेगा विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, विद और विदाउट का मतलब क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने एक बार बॉल निकाली बैग में से, उसको उसका कलर नोटिस किया और वापस उसको डाल दिया, ठीक है। तो क्या चांसेस है कि फर्स्ट में मैंने क्या बोला, एक भी रेड बॉल नहीं आती, तो तुम्हारी हमेशा क्या आई, व्हाइट बॉल 3 out of 7। फिर मैंने वो बॉल वापस डाल दी, तो तुम्हारे पास अभी भी दोबारा 7 बॉल्स हो गई और वापस से क्या आई, व्हाइट बॉल। तो क्या चांसेस है, 3 चांसेस है, क्योंकि व्हाइट कितनी है तुम्हारे पास, 3 व्हाइट है और 4 रेड, लेकिन रेड एक भी नहीं लेनी, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी ऑफ 0 की 3x7। नेक्स्ट पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 का मतलब क्या है, तुम्हें एक रेड चाहिए, मैंने निकाल लिया, कितने चांसेस है रेड के बॉल आने में, 7 में से 4 बॉल रेड है, एक बॉल तो वो आ गई, बाकी जो दो बॉल्स हैं वो कौन सी होंगी, हमेशा व्हाइट होंगी, व्हाइट में व्हाइट कितनी है, 3x7। लेकिन ये तो मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट बॉल निकाली वो रेड है, बाकी दोनों क्या है, व्हाइट है। अब हो सकता है फर्स्ट बॉल मेरी क्या निकली हो, 3x7 मतलब व्हाइट निकली हो, और सेकंड बॉल में रेड निकली हो, तो प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस पॉसिबल है, इन वेज से 3 चांसेस। ऐसे देखो प्रोबेबिलिटी में इनके वेज भी तो होते हैं कि फर्स्ट बॉल मेरी रेड निकल गई, बाकी दोनों व्हाइट निकली, फर्स्ट व्हाइट निकली, सेकंड रेड, फिर दोबारा व्हाइट, ये हो सकता है कि फर्स्ट भी व्हाइट, सेकंड भी व्हाइट और लास्ट वाली क्या ही रेड, तो 3 चांसेस ये मिल गए। तो इनको देखो प्रोबेबिलिटी तो सेम है, तो इससे बेटर है कि इस सबको सॉल्व करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो इनको तुम प्लस करोगे, या तो प्लस करो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो तुम एक टेबल में क्वेश्चन में यहाँ पे कर रखा है, चांसेस बता रखे हैं। अब 2 का चांस ले रहा है, 2 का मतलब 2 तुम्हारी रेड बॉल है और 1 हमारी क्या है, व्हाइट बॉल, तो 2 रेड है, 4x7 और 1 क्या है, व्हाइट बॉल, क्योंकि तुमने बॉल तो 3 निकाली थी, तो पी ऑफ 2 निकाल रहे, 2 रेड बॉल्स और 1 व्हाइट बॉल, और दूसरा फर्स्ट दोनों रेड आ गई, नेक्स्ट वाली व्हाइट, हो सकता है फर्स्ट वाली व्हाइट हो और दोनों बाकी दोनों क्या हमारी रेड है, और ये भी हो सकता है कि पहले हमारी रेड आ जाए फिर हमारी ब्लैक रेड आ जाए, सॉरी पहले हमारी रेड आ जाए देन व्हाइट आ जाए फिर दोबारा रेड आ जाए, तो ये चांसेस हो गए। देखो तीनों की प्रोबेबिलिटीज है तो सेम, तो मैं से बेटर है 3x4x7, 4x7 एंड 3x7, ज्यादा कैलकुलेशन ना करके, 3 बार सेम ही तो लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही पी ऑफ 3, तो चारों की चारों, तीनों की तीनों तुम्हारी क्या आ जाए, रेड बॉल, रेड बॉल 4x7, 4x7, 4x7 तीनों, तो आगे पीछे करने का कोई फायदा नहीं, तीनों ही रेड आएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे बना लोगे, पी ऑफ 0 निकाला, पी ऑफ 1, ये सारी वैल्यूज आ गई, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। फिर आ जाता क्वेश्चन में मीन एंड वेरियंस भी निकालने को क्या देते हैं, मीन का फॉर्मूला, बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, बाकी यही है। देखो मैं इसी टेबल से मीन बता देती हूँ, तुम्हारा फॉर्मूला होता है मीन का एक्स इंटू में पी एक्स, अगर हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है, और अगर हमारा कॉन्टिन्यूस चल रहा है, बस इस समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाता है। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इतना सीरियसली मत लेना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो रहने देना, डिस्क्रीट पे फोकस करना है। डिस्क्रीट में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन का मतलब क्या होता है, ये जितने भी एक्स की क्वांटिटीज है इन सबका एडिशन। तो देखो एक्स इंटू में पी एक्स, अब तुम्हारी एक्स की वैल्यूज क्या है, 0, 1, 2, 3, तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 तक जा रही है, तो पहले हम 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू में पी ऑफ 0 प्लस, फिर 1 पुट करेंगे, 1 इंटू में पी ऑफ 1, फिर x की वैल्यू 2 इंटू में पी 2, 3 इंटू में पी 3, बस जनरल फॉर्मूला हमारा मीन का यही होता है, x इंटू में पी एक्स। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, 1 इंटू में पी ओ 1, 1 इंटू में पी ओ 1 क्या है 108, 343, प्लस 2 इंटू में पी 2, 2 इंटू में पी 2 क्या हमारा 144/343, प्लस 3 इंटू में पी 3, 3 इंटू में पी 3 क्या है 64 इंटू में 344, 343, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा मीन, बस इसको सॉल्व कर लेना, ये मीन आ जाएगा। अब आता है वेरिएंस, वेरिएंस का जनरल फॉर्मूला तुम देखो, मीन को हम किससे डिनोट कर देते हैं, ई ऑफ एक्स से भी डिनोट, तुम्हें ये जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, एक्स इंटू में पी एक्स होता है और ई एक्स को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब वेरियंस का फॉर्मूला देखो, वेरियंस होता है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, तो ये e of x क्या था, मीन, मीन का स्क्वायर, तो तुम्हें मीन तो निकालना ही पड़ेगा अगर तुम वेरिएंस निकाल रहे हो, तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, मीन निकालना, वो हम निकालेंगे। नेक्स्ट हम आती है e of x square, अब ये चीज देखो, मैंने तुम्हें बताया मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x इंटू में पी एक्स, इसी की बजाय यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया,
तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर चल रहा है ना, इधर स्क्वेयर, देखो यहाँ पे पावर वन थी तो यहाँ पे भी पावर वन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इंटू में पी एक्स। ऐसे ही तुम्हें जब एक्स क्यूब निकालना है तो मैं लिखाऊंगी समेशन एक्स क्यूब इंटू में पी एक्स, तो जो अंदर होता है ना वही यहाँ पे पी एक्स के साथ आता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो मैं अभी फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर इंटू में पी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का, वैसे मैं लिख देती हूँ एक्स इंटू में पी एक्स और उसका स्क्वेयर। तो सबसे पहले अलग से निकाले ना मीन की वैल्यू, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू में पी एक्स, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक थी, जीरो से थ्री तक, तो मैं क्या लिखूंगी, जीरो का स्क्वेयर इंटू में पी जीरो, सम का समेशन का मतलब क्या होता है सम, फिर सम का एडिशन का लगाया, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, वन का स्क्वेयर इंटू में पी ऑफ वन, फिर टू का स्क्वेयर इंटू में पी ऑफ टू, थ्री का स्क्वेयर इंटू में पी ऑफ थ्री, हो गया माइनस समेशन एक्स इंटू में पी एक्स का स्क्वेयर। ये तो तुम्हारा हो चुका, ये तो तुम पर मीन निकाल चुके, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, जीरो का स्क्वेयर जीरो ही आएगा और किसी को मल्टीप्लाई करो जीरो, वन का स्क्वेयर वन, पी ऑफ वन, पी ऑफ वन क्या था हमारा क्वेश्चन में 108343, टू का स्क्वेयर फोर इंटू में पी ऑफ टू, पी ऑफ टू क्या है 144343, थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू में पी ऑफ थ्री, पी ऑफ थ्री क्या है 64/343। अब कैंसिल आउट मत करना, सबका बेस 343 चल रहा है, बस इसको जनरली सॉल्व करके ऐड कर दो और यहाँ पे माइनस कर दोगे मीन का स्क्वायर, मीन जो भी आया था तुम्हारा उसका स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर दो, ये क्या आ जाता है तुम्हारा वेरियंस। तो बस तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने हैं मीन और वेरियंस के लिए, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू में पी एक्स और वेरियंस का होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो e ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इंटू में पी एक्स, जो चीज यहां होगी ना बस वो चीज याद रखोगे। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट चल रहा है, डिस्क्रीट के लिए हमेशा समेशन यूज करते हैं, तो तुम्हें बस ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, मीन का होता है एक्स इंटू में पी एक्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया तो समझ लो सारी चीज गलत आ गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान रखना अच्छे से। फिर इसी में बोल देते हैं वेरियंस तो मैंने बता दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरियंस। तो बस जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये मत बोलना कि अलग से कुछ निकालना है, वेरियंस निकाल चुके तो उसका अंडर रूट ले लेना, वो आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल कार्ड्स ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन एंड दिस, तो दो कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स, तो तुम्हें काम किस पे करना, नंबर ऑफ किंग्स पे, तो एक्स हमारा हो गया नंबर ऑफ किंग्स। अब दो ही कार्ड्स निकालना है तो तुम्हारे क्या क्या चांसेस है, हो सकता है एक भी किंग ना है, जीरो, हो सकता है एक किंग आ जाए वन, और हो सकता है दोनों किंग आ जाए, तो जीरो वन और टू हमारे एक्स की वैल्यूज होंगी। तो तुम्हारी टेबल क्या बन जाएगी, ये देखो एक्स की वैल्यू हमारी पॉसिबिलिटी जीरो वन एंड टू, कितने कार्ड्स होते हैं 52 में से कितने किंग्स पॉसिबल होते हैं, फोर किंग्स, ठीक है, तो क्या चांसेस होते हैं 4/52 किंग आने के, है ना। तो अब इसमें बोला पी ऑफ एक्स, एक भी किंग नहीं आया, तुमने कितने कार्ड्स निकाले दो, एक भी किंग नहीं आया, तो दोनों क्या आए हमारे विदाउट वाले किंग, तो 4 माइनस कर दो, तो 48/52 इंटू में 48/52। दोबारा देखो हमारा एक भी किंग ना आए तो चार कार्ड्स किंग के होता है 52 में से वो हटा दो, तो वो जो बाकी 48 बचे उन्हीं में से कोई आया, तो फर्स्ट कार्ड भी हमारा किंग नहीं आया 48/52 और सेकंड वाला भी हमारा किंग नहीं आया 48/52। ऐसे ही वन, एक किंग आया और दूसरा कोई और कार्ड, तो किंग के चांसेस कितने हैं 4/52। फर्स्ट कार्ड मैंने मान लिया, देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ पी ऑफ वन, फर्स्ट कार्ड मैंने माना किंग आया और सेकंड कार्ड क्या आया कुछ और, तो वो 48/52, और हो सकता है फर्स्ट कार्ड ये आ जाए सेकंड ये, तो प्लस में फर्स्ट कार्ड मेरा विदाउट किंग वाला है और एक कार्ड आया हमारा किंग का, तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पी ऑफ 2 क्या होगा, दोनों के दोनों कार्ड्स क्या है किंग, 4/52, अच्छा नहीं रुको, अब फोर किंग्स आ गए, इसने क्या बोला है शफलमेंट, इसने बोला दो कार्ड सक्सेसिवली एक के बाद एक ड्रॉ किया है, तो इसमें क्या चांसेस हैं कि हो सकता है दोनों ही, अच्छा इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन नहीं किया और विद रिप्लेसमेंट भी मेंशन नहीं किया, तो तुम लेके चलोगे कि विद रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, ठीक है, अगर हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट का आ जाता है तो एक कार्ड किंग आ चुका है तो बाकी कार्ड्स 51 बचे हैं, तो तुम्हें उस पर फोकस करना है, ये तुम पहले भी पढ़ चुके लेकिन तुम्हारे में क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आएंगे, तो ये विद रिप्लेसमेंट का ही प्रोसेस चल रहा है। मैंने क्या बोला पी ऑफ 2 में दोनों ही किंग आए तो 4/52 and 4/52 बाय चांस विदाउट रिप्लेसमेंट बोल देते, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट किंग आ चुका है 4/52, मैं दो ही निकालू कि दोनों के दोनों किंग आया तो 4/52, अब मेरे पास एक कार्ड खत्म हो चुका है तो एक किंग आ चुका है तो थ्री किंग बचे हैं आउट ऑफ 51, 3/51, तो बस वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है,
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है कि मैंने एक कार्ड आया देखा और वापस डाल दिया, ठीक है, तो हो सकता है दोनों दोनों की निकालने थे तो 52 कार्ड्स वापस हो गए, एक कार्ड निकालने के बाद वापस देख के वापस डाल दिया तो वापस 52 हो गए। लेकिन मैं बोलती हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, जो कार्ड मैंने निकाल लिया उसको बाहर ही रख लिया, तो पहले फोर किंग थे 52 कार्ड्स थे तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम में मेरा एक किंग आ चुका है तो कितने किंग बचे, 3 out of 51 कार्ड्स, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है। लेकिन फोकस तुम देख लेना क्योंकि क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट के ही क्वेश्चन देता है तुम्हें एग्जाम में। अब इसी में क्या बोल देंगे, मीन निकालना है, तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू में पी एक्स, ये हमारा ई ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 2, तो पहले 0 into में p of 0, 1 into में p of 1, 2 into में p of 2, बस 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो 1, तो फर्स्ट हमारी ये वाली पी ऑफ 1 ही आई थी, इसको मल्टीप्लाई करके 2 into में 48, 52 into में 4 by 52, इसको सॉल्व कर लेना फिर आसान हो जाएगा, 2 into में p of 2, ऐसे मीन आ जाएगा। तो तुम क्वेश्चन देखो, इसी में मीन इसने सीधा निकाल दिया, निकाल लेना सॉल्व कर लेना। ऐसे ही वेरियंस क्या होता है, वेरियंस में इधर मैं लिख देती हूँ वेरियंस e ऑफ x स्क्वेयर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वेयर, तो e ऑफ x स्क्वेयर में x स्क्वेयर इंटू में पी एक्स, और मीन तुम निकाल ही चुके हो, 2 by 13 का स्क्वेयर कर दिया मैंने इधर। x स्क्वेयर में तो 0 का स्क्वेयर p ऑफ 0, 1 का स्क्वेयर p ऑफ 1, 2 का स्क्वेयर 4 p ऑफ 2, बस इसको सॉल्व करके माइनस 2 by 13 का स्क्वेयर कर देंगे, ये तुम्हारा वेरियंस आ जाएगा। वेरियंस को का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आ गए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आगे तुम खुद ट्राई करोगे, इसके कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो।